फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और मैं आज आप सबको बताऊंगी निमोनिया, इसके लक्षण और इसके कारण और इसके उपचार। चलिए शुरू करते हैं। किसी एक बीमारी से हमारे देश में इतनी मौतें नहीं होती जितनी निमोनिया से होती हैं। निमोनिया से बचाव और इसका इलाज बेहद जरूरी है, लेकिन अक्सर लोगों के पास इसके जुड़ी जानकारी नहीं होती। निमोनिया आखिर है क्या? निमोनिया मुख्यतः फेफड़ों का संक्रमण होता है, जो किसी भी उम्र में हो सकता है। हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस सांस के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। कई बार फफूंद की वजह से भी फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी जैसे फेफड़ों के रोग, हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज से पीड़ित है, तो उन्हें गंभीर संक्रमण यानी कि गंभीर निमोनिया होने का खतरा रहता है। निमोनिया में जब एक या दोनों फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है, तो फेफड़ों को ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होने लगती है। बैक्टीरिया से होने वाला निमोनिया दो से चार वीक में ठीक हो सकता है, जबकि वायरस से होने वाला निमोनिया को ठीक होने में अधिक समय लग जाता है। निमोनिया के लक्षण हैं, नंबर एक, छोटे या नवजात बच्चों में कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देता है। नंबर दो, बच्चे देखने में बीमार लगे तो उन्हें निमोनिया हो सकता है। नंबर तीन, सर्दी, हाई फीवर, कफ या फिर कपकपी, शरीर में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सब निमोनिया के लक्षण हैं माने जाते हैं। निमोनिया के कारण आखिर है क्या? निमोनिया होने की मुख्य वजह सर्दी को माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार निमोनिया होने के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि निमोनिया होने के कारण हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। इसके अलावा कुछ रसायनों और फेफड़ों में लगी चोट के कारण भी निमोनिया हो जाता है। निमोनिया के उपचार और इससे रोकथाम। नंबर एक, रोगी को एक स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए, एक साफ सुथरे कमरे में रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोगी के कमरे में सूर्य का प्रकाश अवश्य आए, सूर्य की किरणें अवश्य आए। नंबर दो, शरीर खासकर छाती और पैरों को गर्म रखने के लिए कमरे को गर्म रखें। इसके अलावा रोगी को अच्छी तरह से ढकें। नंबर तीन, सीने में दर्द और बेचैनी से राहत पाने के लिए एक चम्मच लहसुन का रस भी ले सकते हैं। नंबर चार, तुलसी भी निमोनिया में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तुलसी के कुछ ताज़े पत्तों का रस लेकर उसमें काली मिर्च पीसकर मिला लें और यह रस हर 6 घंटे बाद रोगी को दिए। नंबर पाँच, ज़्यादातर निमोनिया का इलाज डॉक्टर की देखरेख में बिना अस्पताल में दाखिल हुए हो सकता है। नंबर छः, आम तौर पर मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं, आराम, तरल पेय पदार्थ और घर पर देखभाल पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है